अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस फिल्म का जिक्र करेंगे ये 1953 में रिलीज होने वाली दूसरी फिल्म थी। ये फिल्म 27 फरवरी 1953 बरोज जुमा को रिलीज की गई और इस फिल्म का नाम था सैलाब। यह फिल्म लाहौर टाकीज लिमिटेड के बैनर तले बनाई गई। इस फिल्म के प्रोड्यूसर चौधरी सुल्तान थे जबकि इसके डायरेक्टर एन.ई. अख्तर थे। इस फिल्म को चौधरी सुल्तान ने तहरीर किया जबकि इसके कैमरामैन निजाम नाखुदा थे। उर्दू जुबान की यह फिल्म मुकम्मल तौर पर लाहौर में शूट की गई। इस फिल्म के नुमाया अदाकारों में सबीहा खानम, मसूद, बेगम परवीन, फरीदा खानम, नजर, रेखा, सलीम रजा, एम इस्माइल, सुल्तान खुसट, शेख इकबाल, अबू शाह और इमदाद हुसैन शामिल थे। ये वाहिद फिल्म थी जिसमें अदाकारा फरीदा खानम ने सपोर्टिंग रोल किया। इस फिल्म के गानों की शायरी तुफैल होशियारपुरी, शौकत हाशमी, कैफ, अर्श लखनवी और खावर जमान ने की जबकि इसके मौसीकारों में असगर अली और मोहम्मद हुसैन के नाम शामिल हैं। इस फिल्म में जिन गुलूकारों ने अपनी आवाजों का जादू जगाया उनमें मुनव्वर सुल्ताना, जीनत बेगम, नजीर बेगम, अली बख्श जहूर और इमदाद हुसैन के नाम शामिल थे। गुलूकारा नजीर बेगम की बतौर पाकिस्तानी फिल्म सिंगर यह पहली फिल्म थी। इस फिल्म में कुल 8 गाने शामिल किए गए जिनमें जीनत बेगम के ना समझी किसी की, ना मानी किसी की, यूं ही देख बैठे जवानी किसी की, किस्मत को ही मंजूर ना था मेल हमारा, सावन की काली रातों में तुम नींद बन के आए, सावन की काली रात में तुम नींद बन के आए, तुम नींद बन के आए, सावन की काली रात में तुम नींद बन के आए, ओए तुम नींद बन के आए। सुनो सुनो रे दुनिया वालों मेरी एक कहानी बचपन की। नजीर बेगम का गीत आई आई रे जवानी, गया दिल रे, हुई बिस्मिल रे, मैं हार गई। अली बख्श जहूर और इमदाद हुसैन का दो गाना, बीए पढ़ के हमको मिट्टी खराब कर दी। मुनव्वर सुल्ताना और अली बख्श जहूर का दो गाना, ना वो खिजां रही बाकी ना वो प्यार रहा। इसके अलावा एक और गाना, बदली है क्यों जहां की हवाओं को क्या हुआ, ये वाहिद गाना है जिसके गुलूकार का नाम मालूम ना हो सका। इस फिल्म में जीनत बेगम ने 4 और नजीर बेगम ने 1 सोलो गीत गाया जबकि अली बख्श जहूर और इमदाद हुसैन ने 1, मुनव्वर सुल्ताना और अली बख्श जहूर ने 1-1 ड्यूट गीत गाया। यह फिल्म 27 फरवरी 1953 बरोज जुमा को लाहौर और कराची में बयक वक्त रिलीज की गई मगर फिल्म बिनों पर अपना अच्छा तासुर छोड़ने में नाकाम रही। इस फिल्म के जरिए गुलूकारा फरीदा खानम ने अदाकारा की हसीयत से वाहद फिल्म में काम किया जबकि नजीर बेगम ने फिल्मी गुलूकारा के तौर पर अपने कैरियर का आगाज किया। तो नाजरीन ये था फिल्म सैलाब का एक रिव्यू।
उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, जो हमारे चैनल के लिए बेहतरी का बायस है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारी ये मालूमात आपके जरिए दूसरों तक भी पहुंचे। गुलफाम को इजाजत दीजिए, अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज।